नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो 8 में 05। अगर आपके साथ 3 EMI नहीं भरने पे अगर 1 लाख का पेनल्टी चार्ज किया जाए और आपको कोर्ट से एक मैसेज आता है कि अगर आप EMI नहीं पे करोगे तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा सच में हो सकता है या सिर्फ बैंक और NBFC कंपनी वाले आपको डराने धमकाने के लिए ऐसा हथकंडे अपनाते हैं? तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया था, उस पर आप मैसेज कीजिए, जो भी आपको पूछना हो उस पर आप पूछिए। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया तो बहुत सारे लोगों ने हाय लिख के कर दिया। आपके जो भी मैसेज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बता दीजिए, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का तो प्रॉब्लम ये है कि उनका जॉब लॉस हो गया है, मोरेटोरियम उनको नहीं मिल रहा है, बैंक वाले नहीं दे रहे हैं, उनके जो भी NBFC कंपनी है उनको मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है कि EMI पे कर सके। पर एक ऐसे कस्टमर है जिन्होंने बजाज वाले के सिर्फ 3 EMI नहीं दिए, मतलब समझ सकते हैं अगर कोई भी एक नॉर्मल बंदा 3 EMI बाउंस कर सकता है। अगर आपका 3 EMI पहले बाउंस होता है तो क्या होता है? सबसे पहले आप बकेट 1 में आओगे, 2, 3, उसके बाद राइट ऑफ होगा, उसके बाद जो भी होगा आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, ना कि कोई भी कंपनी आप पे जाके लीगल चार्जेस आप पे करे। और सबसे पहले आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जब तक उनका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, क्योंकि अभी भी उनका फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, तब तक कोई भी लोन अकाउंट ना तो NPA हो सकता है, ना तो उन पर कोई केस किया जा सकता है लीगल वे में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अभी कोई भी जो चेक जो बाउंस हो जा रहा है इस पर कोई भी अभी केस नहीं हो सकता, क्योंकि पैंडमिक के कारण लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर कोई EMI नहीं भर रहा है तो इंटेंशनली नहीं भर पा रहा है, उसके पास मजबूरी है जिससे वो नहीं भर पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी कस्टमर को मजबूत करते हुए ये कहा था कि अभी अगर आपके पास पैसे हैं तो EMI भरिए, नहीं है तो कोई भी आप पे लीगल चार्ज, समझिए लीगल चार्ज में क्या होता है कि अगर आप EMI नहीं पे करते तो कोई भी बैंक और NBFC कंपनी के पास ये अधिकार नहीं होता कि आपके चेक को बाउंस करा के आप पे कोई लीगल चार्ज या आप पे कोई लीगल एक्शन या आप पे कोई केस कर सके। यहाँ पे जो आपको डरा धमका रहे हैं, पहले उनसे फ़ोन करके पूछिए, आपको जो है 1 लाख क्या मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ, पहले आप हमको प्रूफ दिखाइए सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट किसी भी बैंक और NBFC के कहने से आपके कोई रजिस्टर केस नहीं कर देता, क्योंकि एक जो केस ऑलरेडी चल रहा है मोरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए, उसके वर्डिक्ट को आने में 3 महीने से ज़्यादा लग गया, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं है। उसका जो जजमेंट है अभी भी प्राइवेटाइज करके रखा हुआ है कि कब वो पब्लिश होगा। और आपको क्या लगता है कोई भी बैंक और NBFC कंपनी आपके खिलाफ केस कर देगा क्योंकि आपने EMI नहीं पे करा है? अरे पूरा केस ही इसी पे चल रहा है कि उनके पास पैसा नहीं, उनको और मोरेटोरियम चाहिए, तो इसके एवज में कहीं केस हो सकता है, पॉसिबल है। और एक कस्टमर मुझसे पूछ रहे थे कि उनका प्रॉब्लम क्या था कि बैंक वाले बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे आपके खिलाफ अगर आप EMI नहीं दोगे। आप ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई हो रहा है कि कस्टमर को और बेनिफिट मिले, और यहाँ पे बैंक आपको उल्टा धमकी दे रही है। देखिए, बैंक के पास अभी कोई अधिकार नहीं है, वो जो भी करेगी ज़बरदस्ती करेगी। अगर उल्टा आप एक्शन ले लेते हो, अगर आप सही माध्यम से पहुँच जाते हो तो उल्टा बैंक फंस जाएगा, इस बात को समझिए। और बहुत सारे लोग बोले थे जॉब लॉस हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, हम कैसे EMI पे करें। देखिए होता क्या है, मोरेटोरियम चल नहीं रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, मोरेटोरियम चल नहीं रहा है। रीस्ट्रक्चर ज़रूरी है, पर रीस्ट्रक्चर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि आप फुलफिल करते हो तो आपको रीस्ट्रक्चर मिलेगा। अगर आप उसके बाद भी आपको रीस्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आपको EMI पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रीस्ट्रक्चर उसी को दे रहा है जिसका मार्च से पहले मतलब फरवरी तक EMI सब कुछ सही से पे है। क्योंकि देखिए, एक ऐसे कस्टमर जो हर टाइम पे सही से EMI पे कर रहे थे, सब कुछ सही था, सिर्फ एक पैंडमिक के कारण उनके साथ नुकसान हुआ और एक जॉब लॉस हो गया, काफ़ी दिन हो गया, जॉब भी बहुत लोगों को मिल गया नहीं, तो अल्टरनेट ऑप्शन सबने ढूंढना है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये है कि मोरेटोरियम अगर आपने पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे EMI भरने में, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये सिर्फ एक हो जाता है कवरिंग करने की बात, इस बात को समझिए। जो जेन्युइन रीज़न है, जो बहुत सारे एम्प्लॉय बहुत सारे लोग जो सही में पे करते थे वो फाइट कर रहे हैं कि उनको मोरेटोरियम मिले, और एक सिर्फ जॉब लॉस। क्योंकि देखिए, अगर आप जॉब लॉस की बात करते हो तो बहुत सारे लोगों ने जॉब लॉस किया है। बस यही सलाह दूंगा, अगर पैसे नहीं हैं तो प्लीज़ कहीं अरेंज कीजिए, क्योंकि आपके साथ अब प्रॉब्लम होगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका एंट्री मोडर है बंद करेंगे, उसके बाद वो लोग लीगल एक्शन तक लेंगे, आपके सिविल स्कोर को डाउन करेंगे, आपको परेशान करेंगे। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ,
आप जॉब ढूंढिए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो मान जाए शायद, पर बैंक और एनबीएफसी जो पैसे है वो छोड़ने वाली नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए, आप पे लीगल एक्शन नहीं हो सकता, पर कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तब तक ना, उसके बाद तो शायद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में लिखिए। कोई भी यूनिक प्रॉब्लम होगा मैं उसको ज़रूर डील करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।